हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है डायरेक्शन और शैडो। डायरेक्शन मतलब दिशा और शैडो मतलब परछाई। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम शैडो के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस के बारे में कि एक प्लस का निशान बनाने पर इसके टॉप पे नॉर्थ माने उत्तर दिशा, इसके विपरीत साउथ माने दक्षिण दिशा, इस तरफ ईस्ट मानी पूरब दिशा और ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट मानी पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। और अगर इन्हें बांट दिया जाए तो इनकी सब डायरेक्शंस बन जाती है, जो कि है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। परछाई दिन के दो वक्त पड़ती है, पहला सनराइज के वक्त और दूसरा सनसेट के वक्त। देखिए, जब सनराइज मानी सूर्योदय या दिन का समय, सनसेट मानी सूर्य जब डूबता है या शाम का समय है, ठीक है। तो सनराइज लेते हैं, पहले सनराइज करता है ईस्ट से। जब हमारा मुख, मान लीजिए हमारा मुख ईस्ट की तरफ है, अभी ईस्ट जिधर सूरज उगता है, तो हमारी परछाई कहाँ गिरेगी? पीछे की तरफ, जो कि है वेस्ट में। तो आप ये टेबल भी याद कर सकते हैं कि अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपकी शैडो गिरेगी वेस्ट की तरफ, या फिर इसे आप बोल सकते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। वैसे अगर आपका मुख वेस्ट की तरफ है तो आपकी परछाई आगे की तरफ ही गिरेगी, क्योंकि सनराइज के वक्त परछाई वेस्ट की तरफ ही गिरती है। तो अगर आपका मुख वेस्ट में भी हुआ तो आपकी परछाई इसी तरफ गिरेगी, आगे की तरफ, ठीक है। वैसे ही अगर आपका मुख नॉर्थ की तरफ होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन और सूरज उग रहा है ईस्ट से और हमारी परछाई गिरी है वेस्ट से, ठीक है, मतलब इस तरफ वेस्ट से, तो नॉर्थ की किस तरफ पड़ेगी परछाई? लेफ्ट साइड में। अगर आपका मुख नॉर्थ की तरफ है तो आपकी परछाई लेफ्ट साइड में पड़ेगी। ऐसी अगर मान लीजिए मेरा मुख साउथ की तरफ है तो सनराइज के वक्त सनराइज ईस्ट की तरफ होता है तो मेरी परछाई वेस्ट की तरफ पड़ने वाली है। तो इस तरफ मेरा, इस वक्त जब मेरा मुख साउथ की तरफ है तो मेरा वेस्ट साइड राइट है। तो अगर मेरा मुख साउथ की तरफ है तो मेरा वेस्ट साइड क्या होगा? राइट। तो मेरी परछाई राइट की तरफ ही होगी। सनसेट में बिल्कुल इसके उल्टा होगा। फेस और शैडो की स्थिति देख लेते हैं। सनसेट या मतलब सूरज डूबने के वक्त, अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ होता है तो हमारी परछाई आगे गिरेगी, ठीक है, या फिर आगे गिरेगी। अगर हमारा फेस वेस्ट की तरफ है तो हमारी परछाई पीछे या फिर ईस्ट की तरफ गिरेगी। इधर सूरज डूब रहा है तो हमारी परछाई पीछे की तरफ मानी ईस्ट की तरफ गिरेगी। वैसे अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, सनसेट की तरफ वक्त जब हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है तो हमारी परछाई राइट में गिरेगी, और अगर साउथ की तरफ है तो हमारी परछाई लेफ्ट में गिरेगी, ठीक है। ये तो हो गई परछाई की स्थिति। इस टेबल को याद कर लेने से भी आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये वाला सवाल ले लेते हैं, राम और सीता, जो कि दिन के समय मानी सनराइज के बारे में है। राम और सीता एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ये रहा राम और ये रही सीता, ये एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सीता की परछाई राम के पीछे
पड़ रही है तो सीता किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। दिन के समय में पीछे परछाई कब पड़ती है? जब हमारा मुख वेस्ट की तरफ हो। ठीक है, राम और सीता एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सीता की परछाई अगर राम के पीछे पीछे जाके पड़ रही है तो सीता का मुख किधर है? वेस्ट की तरफ। ठीक है, वैसे ही इस क्वेश्चन में दिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी, ये है ए, ये है बी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में मुख करके बात कर रहे हैं। ए ने क्या देखा? अब ये वक्त शाम का है। ए ने देखा कि बी की परछाई ए के, ए का मुख इधर की तरफ है। ठीक है, ए ने देखा कि बी की परछाई उसके राइट में पड़ रही है। ठीक है, तो बताइए बी ने किस दिशा में मुख किया है। ठीक है, अगर ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं तो हमें ये बताना है कि ए ने, तो बी ने किस दिशा में मुख कर रखा है कि उसकी परछाई ए के राइट में गिर गई है। ठीक है, तो उस वक्त उसका मुख नॉर्थ दिशा की तरफ है। तभी बी की परछाई ए के राइट में गिरेगी जब उसका मुख नॉर्थ दिशा की तरफ हो। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन 3 है। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी दिशा का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मानी इसका मुंह इधर वेस्ट की तरफ। फिर वह दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज, मानी इस तरह से 45 डिग्री आगे जाता है। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा होती है, तो यहाँ पे होता है 45, ये पूरा हिस्सा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका आधा 45 हुआ मानी, तो ये यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मानी दक्षिणावर्त दिशा में चला है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त चला है और 180 चला है, तो ये 180 मानी 90 90, तो ये 45 और 90 और फिर 45, ये इस तरीके से 45 45, 90 और 90, 180 दिशा और चल लिया। ठीक है, घड़ी की दिशा की तरह। फिर 270 डिग्री वामावर्त चला है, मानी यहां से फिर से 90, यहां से फिर से 90 ले लिया, दिशा की तरफ घूमता है और 90 हो गया। फिर ये और 45 और 45, 180 और 45 और 45, 270 डिग्री वामावर्त मानी एंटी क्लॉकवाइज उसने घूमा है। तो अब बताइए उसका मुख किधर है? तो ये दिशा हो गई साउथ वेस्ट, अब उसका मुख साउथ वेस्ट की तरफ है। इसे निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी है। पहले हम जो भी क्लॉकवाइज दे रखा है मानी दक्षिणावर्त, उन सबको प्लस कर लेते हैं, जो कि है 180 प्लस 45, करने पर आ गया 5 2 225। अब वामावर्त है 270, एंटी क्लॉकवाइज है 270। ठीक है,
हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 270 माइनस 225 जो कि होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज बड़ा, क्लॉकवाइज का डिजिट जो कि 225 वो बड़ा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज का जो डिग्री है 270 वो बड़ा है। एंटी क्लॉकवाइज का डिग्री बड़ा है जो कि 270। तो हम यहाँ से सीधा सीधा ये सवाल इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका मुख वेस्ट की तरफ है। एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होने की वजह से हम एंटी क्लॉकवाइज सीधा 45 डिग्री की तरफ घुमा देंगे। वेस्ट की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया तो दिशा आई साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, उसका मुख किस दिशा में है, साउथ वेस्ट दिशा में। हम दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने पर थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, जबकि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वक्त थोड़ा कम लगेगा। इस तरीके से हमने आज पढ़ा डायरेक्शन और शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।